मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये आपको याद नहीं करनी, आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये ड्राइव की, अभी हमने ड्राइव की थी एक्स और वाई का रिलेशन, इस पूरे दो टर्म्स में से एक्स टैन थीटा को कॉमन निकाल लें, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, वन, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया, यहां पे टैन थीटा था ही नहीं तो मुझे डिवाइड करना पड़ा बाय टैन थीटा, तो इसमें इसमें कोई फर्क नहीं, चाहे तो ऐसे कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लो एक्स टैन थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो एक्स से एक्स एक्स स्क्वायर, और टैन थीटा कैंसिल, सेम चीज है, टैन थीटा को लिख लो साइन बाय कॉस, कॉस और कॉस कैंसिल कर लो, जी एक्स न्यूमिनेटर में है, जी को डिनोमिनेटर में ले जाओ यहां पे, तो जी को डिनोमिनेटर में ले गए तो वी स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये जी ऊपर है ये जी नीचे आ गया, एक ही बात है, साइन थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन टू थीटा, तो डिनोमिनेटर देखो क्या बन गया, वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, जिसको क्या बोलते हैं रेंज, तो इसकी जगह आर पुट कर लिया, आप ये प्रूफ नहीं करेंगे, फॉर्मूला रजिस्टर में सेकेंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये यूज करें, वेयर आर इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में काम आएगी।